Hello everyone, welcome back to Rashmi's Kitchen Mantra. Hope you all well. Today I'm gonna show you one of my favorite dish, that is butter chicken, also known as chicken makhani. Butter chicken is one of the most popular chicken dish in India. And today I'm sharing a very classic restaurant style butter chicken recipe with you all. So without wasting time, let's get started. लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए आगे आने वाली हर एक रेसिपीज को देखने के लिए। बटर चिकन बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 पिंच टर्मरिक पाउडर और उसके साथ 1/2 टीस्पून में सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और जिंजर गार्लिक पेस्ट में ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ में अच्छे से मिक्स कर लूँगी चिकन के साथ। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी और तब तक मैं बाकी का प्रिपरेशन करूँगी। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून बटर। यहाँ पे बटर ही यूज़ करना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज, तो मैंने प्याज को यहाँ पे रफली चॉप किया है और यहाँ पे मैंने एक लार्ज साइज की प्याज लिया है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम पे रख के मैं इस प्याज को 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी गार्लिक। यहाँ पे ध्यान रखना है, अब हमें इसमें बिल्कुल भी अदरक यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून क्रश्ड गार्लिक ऐड कर रही हूँ। अच्छे से एक बार मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर के लिए मैं फ्राई नहीं करूँगी। फिर से 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी रफली कटेड टोमेटोज। तो मैंने यहाँ पे 2 लार्ज साइज़ के टोमेटो लिया है। बटर चिकन के लिए हमें टोमेटो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना है। अब अच्छे से एक बार मैं मिक्स कर लूँगी प्याज के साथ और गैस की फ्लेम को अब मैंने एकदम लो पे कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 10 काजू और उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नॉर्मल रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और उसके साथ ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून शुगर। यहाँ पे शुगर यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे टेस्ट अच्छे से बैलेंस होगा। अब अच्छे से एक बार मैं मिक्स कर लूँगी सारे इन्ग्रीडियंट्स को। सारे मसाले के साथ टोमेटो को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 1/2 कप पानी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी यूज़ किया है। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से एक बार मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हमें इन सारे चीज़ों को अच्छे से सॉफ्ट होने देना है, इसीलिए मैं लो फ्लेम पे कवर करके इसे 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। 5 मिनट बाद मैं कवर हटा रही हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोमेटो और प्याज सॉफ्ट हो गया है। अब हमें इस मसाले को मिक्सी में पेस्ट कर लेना है। तो अब मैं इसे गैस की फ्लेम को बंद करके फ्राइंग पैन से निकाल लूँगी और थोड़ा सा ठंडा करके मैं इसे पेस्ट बना लूँगी। अब मसाले को निकालने के बाद मैंने पैन को थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। ऑयल अच्छे से हीट होने के बाद यहाँ पे हमें चिकन के पीसेस को फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को मीडियम पे रख के ही इस चिकन को फ्राई करूँगी। अगर गैस की फ्लेम को लो पे कर दिया तो यहाँ पे चिकन से पानी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे चिकन को मीडियम फ्लेम पे रख के हमें इसे फ्राई करना है। और मीडियम फ्लेम में फ्राई होने पे इससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ पे मैं चिकन को 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। तो देखिए थोड़ी देर बाद चिकन यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई हो गया है और आप देख सकते हैं चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें से अब एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ रहा है। तो अब मैं इस चिकन को भी निकाल लूँगी। अब चिकन को निकालने के बाद उसी सेम फ्राइंग पैन में मैं फिर से ऐड कर दूंगी थोड़ा सा बटर। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पेस्ट किया हुआ मसाला। तो आप देख सकते हैं मसाले का कलर अभी कितना अच्छा है। तो अच्छे से एक बार मैं मिक्स कर लूँगी और गैस की फ्लेम को अब मैं लो फ्लेम में ही रखूँगी। चिकन के पीसेस को मैंने थोड़ा सा छोटे साइज में ही कट किया है, आप आपके पसंद के हिसाब से चिकन को थोड़ा सा लार्ज साइज में भी यहाँ पे कट कर सकते हैं। बटर के साथ ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी। बटर चिकन में कसूरी मेथी आप ज़रूर ऐड करें, तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ और मैं इसमें 1 टेबल स्पून करीब कुकिंग क्रीम यूज़ करूँगी। आप यहाँ पे फ्रेश मलाई भी ऐड कर सकते हैं।
अब क्रीम और मलाई को अच्छे से एक बार मैं ग्रेवी के साथ मिक्स कर लूँगी। ग्रेवी यहाँ पे पहले से ही बॉइल्ड था, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्राई किया हुआ चिकन। चिकन के पीसेस मैंने यहाँ पे छोटा लिया था, तो ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। तो अब मैं इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बटर चिकन की ग्रेवी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक रहता है, इसीलिए यहाँ पे मैं बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करूँगी। तो अब मैं इसे कवर कर दूंगी और उसके बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में कुक करूंगी। 5 मिनट यहाँ पे लो फ्लेम में कुक हो चुका है, तो अब मैं इसका कवर हटा दूंगी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर अब कितना अच्छा आ गया है और ये ग्रेवी फिर से थोड़ा सा और थिक भी हो गया है। जैसे मैंने बताया, इसकी ग्रेवी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक ही रहता है। तो यहाँ पे बटर चिकन बन के एकदम रेडी हो चुका है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद करके मैं इसे सर्व करूंगी। तो आप लोगों ने देखा कि कितना इजीली घर पे ही आप रेस्टोरेंट स्टाइल में बटर चिकन बना सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा क्रीम और कसूरी मेथी ऐड करके मैं इसे गार्निश कर दूंगी। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छा लगा हो तो रेसिपी को लाइक करना ना भूलें और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें।